दोस्तों अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, कुल मिलाकर के अगर आपका पीएफ खाता खुला हुआ है ना, तो सरकार ने एक नई सुविधा दी है। सभी पीएफ खाता धारकों के लिए एक नई योजना, नई स्कीम की शुरुआत की है और इसके तहत आप तुरंत 1,00,000 रुपए पा सकते हैं। इंस्टेंट आपको 1,00,000 मिल जाएंगे और इसके लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, यानी कि ऑनलाइन ही आप अपने पीएफ खाते से डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में तुरंत 1,00,000 रुपए ले सकते हैं। अब वो कैसे, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये पूरी प्लानिंग क्या है। दरअसल बात कुछ यूं है कि आपको बताऊंगा, आजकल वैसे भी कोरोना दौर चल रहा है और बीमारियां आजकल कब किसको कितनी गंभीर बीमारी हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आजकल की डेली लाइफ का हमारा खान पान ही ऐसा हो चुका है, राइट। और ऐसे में ईपीएफओ जो है ना, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, इसने अपने सभी सब्सक्राइबर्स को एक बड़ी बेहतर सुविधा दी है। अब आप महज 1 घंटे के अंदर से भी कम समय में आप अपने पीएफ खाते से 1,00,000 रुपए एडवांस निकाल सकते हैं। चाहे आपके पीएफ खाते में 10,000 रुपए जमा है, फिर भी आप 1,00,000 रुपए निकाल सकते हैं, एडवांस आपको 90,000 मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने पीएफ खाते में दोस्तों इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। अब आपको फायदा कब मिलेगा, ठीक है ना, मतलब अभी कोरोना दौर चल रहा है, अगर आपको भगवान ना करे ऐसी कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़े, लेकिन आपको या आपके परिवार को किसी सदस्य को मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तुरंत आपको हॉस्पिटल ले जाना है, तो अब आपको भर्ती कराने के बाद हॉस्पिटल का बिल दिखाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आपका या आपको या आपके परिवार वाला कोई मेंबर अगर हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तुरंत ईपीएफओ जो है आपको 1,00,000 रुपए एडवांस दे देगा इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन में। जरूरी नहीं कि पेशेंट कोरोना का ही हो, चाहे उसको कोई दूसरी गंभीर बीमारी भी है ना, तो भी आपको 1,00,000 रुपए एडवांस मिल जाएंगे। ये नई सुविधा की शुरुआत ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए की है। ये जो नया नियम बनाया, पहले मतलब नियम यह था दोस्तों कि आपको मेडिकल की पर्ची देना जरूरी होता था और मतलब हॉस्पिटल का जो भी बिल होता वो देना जरूरी होता था, तभी आपको एडवांस में रकम मिलती थी, राइट। लेकिन अब आपको एडवांस बिल भी जमा नहीं कराना, बस आपको ऑनलाइन अप्लाई करना और आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अब ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई करोगे, तो इसके लिए ईपीएफओ का ऑफिशियल पोर्टल है, आपको पता ही होगा, epfindia.gov.in, ठीक है ना। इस पोर्टल के ऊपर जाना, आपको होम पेज के ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये COVID-19 का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। इस पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो अंदर आपको ऑनलाइन एडवांस क्लेम का ऑप्शन मिलेगा और उस ऑनलाइन एडवांस क्लेम ऑप्शन पे क्लिक करके आप ऑनलाइन ही फॉर्म 31, 19, 10C और 10D इनमें से कोई भी भर के आपको अपने बैंक खाते का अंतिम 4 नंबर दर्ज करना है और कंफर्मेशन करना है। इसके बाद प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम कर देना। अब ड्रॉप डाउन से पीएफ एडवांस को चुनना आपको फॉर्म 31, और इसके बाद आपको एक कारण लिखना होगा कि हॉस्पिटल इमरजेंसी के लिए आपको एडवांस फंड चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है ना। वो रीजन लिखने के बाद आपको ओटीपी नंबर आएगा, आपके आधार कार्ड के ऑफिशियल रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा, और जैसे ही वो ओटीपी डालोगे आपके खाते में तुरंत 1,00,000 रुपए जमा करा दिए जाएंगे ईपीएफओ की तरफ से, ठीक है ना। तो ये ईपीएफओ की अपने पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए नई सुविधा है। मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर पहले भी टुडे ब्रेकिंग न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन वीडियो में एक बार बताई थी ये सुविधा, लेकिन आप में से बहुत सारे भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों ने कमेंट किया कि यार इसको मतलब एडवांस पेमेंट को क्लेम कैसे करना, तो मैंने आपको पूरा प्रोसीजर ए टू जेड कांच की तरह क्लियर इन्फॉर्मेशन बता दी, उम्मीद आपको जानने भी मिली होगी। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप किस फील्ड में प्राइवेट जॉब करते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।